Hey you guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. Why I'm doing this? Hey you guys, welcome to my channel. Hey guys, कैसे हैं आप सभी? I hope आप सभी अच्छे होंगे. Hey you guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing great and safe at your place. So I'm back with another video which is based on how to straighten your hair at home without using this. Yeah, you heard it right. That's true. अब क्या करें ऐसा कि हमारे बाल स्ट्रेट हो जाएं बिना इसको यूज करें. यार ये तो मतलब सारी ही लड़कियों की प्रॉब्लम है, तो सबके साथ होता है. घूमना है, अच्छा दिखना है, बालों को अच्छा रखना है. कई बार ऐसा होता है आपने मेकअप अच्छा कर रखा है, ड्रेस अच्छी पहनी हुई है, पर आपके बाल इतने अच्छे होते हैं कि आपका मन ही नहीं करता बाहर जाने का. मतलब अगर आप घर में हो तो आपके बाल इतने सुंदर लगेंगे, वाओ. और जैसे आपको कहीं बाहर जाना हो तो ऑपोजिट. हाय हाना. सो गाइस, हमारी राजू चावू इज रेडी, आ चुकी है घर में. तो आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे अपने बालों को स्ट्रेट करें बिना प्रेसिंग मशीन के. तो उसके लिए मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो लड़की है जो इतनी सुंदर सी आपको लग रही है ना बैठी हुई, इन्होंने ना अभी नीचे ट्यूशन के बच्चों से 5 के क्रैक्स मंगाए हैं. तो क्या हो गया दीदी, आप बड़ी हो, मुझे अच्छे लगते हैं डाल के खाना. उंगली में डाल के तो पूरी चार चार की लगी. छी दीदी, आप क्या करोगी? अच्छा अगर यार क्रैक्स बनेगी इस चीज के लिए है, वो क्यों दिखाते हैं ऐसे कर करके क्रैक्स. सो गाइस, ऐसा नहीं है कि ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ, नहीं, उसको मैं बहुत बार ट्राई कर चुकी हूँ. मैंने 1 से 1.5 साल पहले इसको देखा था और मुझे इस हैक को देख के ऐसा लगा था ये सच में काम करेगा, ऐसा होता है. फिर मुझे लगा अगर ये जस्ट इन केस काम कर गया तो कितना अच्छा हो गया ना, मेरे बाल स्ट्रेट हो जाएंगे. सो गाइस, अभी आपको लग रहा होगा मैं कितने अच्छे से तैयार होके बैठी हूँ, इयररिंग्स पहन के, थोड़ा सा मेकअप करके, बट मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ. कैन यू सी दिस, मेरे बाल कितने गंदे हो रखे हैं यार अभी, और मैं क्या करूँ. आप इनकी हालत देखो, मतलब अगर मैं कहीं घूमने के लिए जा रही हूँ, शक्ल इतनी अच्छी है और बाल ऐसे, कोई भी बात नहीं करेगा. शिट मैन, बालों को क्या करूँ भगवान. डोंट वरी, मुझे पता है आप जितनी भी घर में बैठ के देख रही है ना वीडियो, सबके बाल खोल के देखो ऐसे ही निकलेंगे. अब उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना. आप खुद देख सकते हो मेरे बालों में कितने वेव्स हैं और ये बिल्कुल स्ट्रेट पे दूर दूर तक नहीं दिख रहे, दूर दूर तक देख ही सकते हो आप. अगर मैं इनको ऐसे ऐसे करके और अब स्ट्रेट करने की कोशिश कर रही हूँ, आप खुद देखो ये इतने गंदे लग रहे हैं, इनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं समझ आ रहा. सिर्फ सबको लगेगा अगर स्ट्रेट कर रहे हैं तो इसकी हेल्प से, बट नहीं. अभी हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. सो उसके लिए सबसे पहले आपको एक चाहिए कंघी, जिसमें बाल फंसा हुआ था इसका. कंघी के बाद हमें चाहिए कुछ बॉब पेंस और चाहिए हमें पानी. अब पानी ये पीने के लिए नहीं है, मैं आपको बताऊंगी क्रैक्स खा लूंगी. Guys, आपको अभी क्या करना है, ध्यान से इस वीडियो को देखिए. एंड आई एम सॉरी, मुझे चश्मा लगाना पड़ेगा नहीं तो मैं कुछ ऐसा सिखा दूंगी कि बाल और खराब हो जाएंगे. और ये बैकग्राउंड नॉइज के लिए सॉरी. अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो बस मुझे देखो, सब कुछ भूल जाओ, आगे पीछे का मत ध्यान दो किसी भी चीज पे. बस ऐसे ही एक कंटेनर था जिसके अंदर मैंने पानी भरा हुआ है. थोड़ा सा पानी मैं कैसे लूँ, मेरा बेल्ट गीला हो जाएगा, थोड़ा सा आगे इधर रुके लेती हूँ. और अपने बालों को बस गीला करना है. स्प्रे बॉटल बहुत काम आती है, लिली होती तो अच्छा रहता. ऐसे करके आपको गीला करना है इनको बस. ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से अपने अपने बालों को गीला करना है. अब करो कंघी, आप देख रहे हो थोड़ा सा स्ट्रेट हुआ है. ऐसे स्ट्रेट नहीं करके दुखी, डोंट वरी. कभी आपको लगे एकदम ये लाइन बोलते वीडियो बंद, प्ले कर दे इसे स्ट्रेट. अभी नहीं, अभी इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा. इसको थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेट करो लाइक दिस, ओके. इसको भी स्ट्रेट करो, ठीक है. टाइट पकड़ना थोड़ा, इसको ऐसे करके पकड़ो, ऐसे करके इसको पीछे कर लो इन बालों को, ठीक है. लाइक दिस, इसको इस तरह से किया.
सारे बालों को, पहले यहाँ के सारे बाल उस वाली तरफ, फिर वहां के सारे बाल इस वाली तरफ, थोड़े थोड़े करके जितने लोगे उतना अच्छा रहेगा। और गीले बाल ही होने चाहिए, सूखे करोगे तो कुछ मजा नहीं आएगा। यहाँ पे भी आ रहा है, चाहे वो यहाँ क्यों ना आ रहा हो उसको यहाँ पे लगाओ। ठीक है, इसको आपको एडजस्ट करना होगा। बट सेम जैसे ये सारा पीछे से किया है, ये वाला भी ऑपोजिट डायरेक्शन में लेना है दोनों को, इधर वाले के इधर, इधर वालों को उधर। फॉर्म करो, घुमाओ और स्ट्रेट करके यहाँ लगा दो, जहां पे भी आपके आल आ रहे हैं, बस उसमें कोई बेंड नहीं आना चाहिए, मतलब स्ट्रेट स्ट्रेट रखना। Guys, that's it. आपको बस इतना ही करना था, आप इसके आगे कोई मेहनत नहीं करनी, इसके बाद सिर्फ आराम करें। I mean कि सिर्फ इसके बाद आपको सोना है, that's it. आपको और कुछ भी नहीं करना, और कोशिश करना कि आप किसी पिलो वगैरह पे ना सोएं, बिकॉज उससे आपके बाल थोड़े खराब हो सकते हैं। तो आप ये सिरहाना होता है ना जो उसके, मतलब उसको अपना सर को जैसे सिरहाना है ऐसे करके ऐसे सोना, ताकि आपके बाल बचे रहे बस। तो पता है क्या रिजल्ट आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने पहले बहुत बार किया है, बट मैं आप लोगों को भी दिखाना चाहती हूँ। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो, गुड नाइट। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं नहा धुल के आराम से बैठ गई हूँ, और नहाने के लिए भाई इतना ज़्यादा दिक्कत हुई थी। रीज़न, मैं ऐसे पन्नी लगा के नहाई हूँ कान में, ताकि मेरे बाल खराब ना हो। और रात को मेरी पूंछें इतनी बार निकले जा रही थी। गुन्नू भी याद दिला रही थी, दीदी आपके बाल निकल गए, तो बार बार मैं उसको बांधे जा रही थी। पर अब इंतजार खत्म हुआ, इट्स टाइम फॉर द रिजल्ट्स नाउ, कि क्या रिजल्ट्स आते हैं। मुझे तो ऑब्वियसली पता है क्योंकि मैं पहले कर चुकी हूँ, बट मैं आप लोगों को भी दिखाना चाहती हूँ। सो लेट्स डू इट। चलो मैं इसको खोलूं। यार पता है पूरी रात से पहना हुआ था, मुझे ऐसे बालों में ना दर्द हो रहा है इसकी वजह से, मतलब होता है थोड़ा सा, तो हैवी हैवी फील होता है। और मेरी दो तीन चिमटियाँ तो बताने का ही गिर गई। चलो यार निकालते हैं इसको, और पहले में थोड़ा काम खराब लग रहा है मम्मा। यार पीछे से तो हो जाता है, मतलब जब मैं वैसे अपने लिए करती हूँ, आज क्यों नहीं हो रहा? बाल कॉन्शियस हो रहे हैं मेरे, बाल कॉन्शियस। गाली ना दे कोई, ये ना कहे अबे ए परी हूर की। यार कहाँ का लगाई थी ये देखो। आ तो दर्द नहीं हुआ रात में? थोड़ा बहुत हुआ था, तब गुनू गोल गोल बाल घुमा रही थी जब मेरे रात को ना, मेरी आदत है मेरे को ना बाल घुमाए बिना सोया नहीं जाता। दो बार थप्पड़ खाए हैं इसने। या तो मैं अपने बाल घुमाती हूँ, या मैं मम्मी के, या मैं अपने दीदी के बाल घुमाती हूँ, मुझे नींद नहीं आती उसके बिना। और मेरे बाल घूम घूम के, रुक जाओ यार एक दो और रखी है। आई 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 आई, इससे पहले दीदी गंजी लगती थी कल। ओ भाई, ओ मम्मी, ओ मम्मा हो गए, लोल नहीं हुआ मम्मा? देखो थोड़े वेव्स तो हैं, ऑब्वियसली बिल्कुल स्ट्रेट तो नहीं होगा कि भाई बिल्कुल जो आप प्रेसिंग करते हो उतनी वाइब्स दे दे, क्योंकि यार ऑब्वियसली इतने ज़्यादा नहीं होते। बट हाँ काम चलाओ है, मैं आपको एक बारी ना दूर जाके दिखाती हूँ। हाँ ये तो बहुत प्रेटी लग रहे हैं यार। जिंदगी सवार दो एक नहीं बार। नहीं तो दुनिया नहीं बदल दो, मैं तो प्यारी सी चमत्कारी हूँ। So guys, I'm done. ये final results हैं आपके सामने, और आप देख सकते हो मैंने ना कोई head wash किया है ना कुछ किया है, सीधा ऐसी बांध के सोई गीले बालों को। बट चलो 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 इनको पहनते हैं, ताकि और थोड़े से हम स्मार्ट लगे। ओए होए, आप जिंदगी सवार दो डोरेमोन का गाना अभी तक गा रही हो? छोटा भीम गाती रहेगी पागल। क्या ये छोटा भीम गाती रहेगी पागल? छोटा भीम इतना पसंद है, मैं छोटा भीम इज माय टूरू लव। सो गाइस, कितने ज्यादा क्यूट लग रहे हैं यार, अब तो अलग ही वाइब्स आ रही है। मैं थोड़े सी सोफिस्टिकेटेड से दिखाती हूँ। ये वाला काम आपसे नहीं हो पाएगा, आपको भी पता है। नहीं मम्मा मुझे देख रही है, इसे क्या हो गया? ये सोफिस्टिकेटेड वाला काम आपसे नहीं होगा। है आपके मुंह पे दिखता है। एक्टिंग मत कर, दो दूंगी।
आई एम वेरी हैप्पी यार, मेरा पता है इतना मन कर रहा है घूमने जाने का, बट मेरे कोई दोस्त भी नहीं है. मैं? हाँ बस मम्मा है और गुन्नू है, तो मैं कहीं बाहर जाती भी नहीं हूँ इतना. मैं कहाँ जाऊँ इसे पहन के, और ऐसे बाल इतने अच्छे से हो रखे हैं, कहीं नहीं. इंडियन मॉम्स भी लाइक, आप अपना ऑफिस बंद कर दो फिर मत जाओ, कोविड है ना, आपकी रीच मुंडी कर ली. मेरे साथ नहीं, आज तो बार भी छोड़ रहे. ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, टेक केयर.